आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटका के गवर्नर श्री, मुख्यमंत्री श्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सदस्य, देश विदेश से आए डिफेंस मिनिस्टर्स, इंडस्ट्री के सम्मानित प्रतिनिधि, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं एरो इंडिया के रोमांचक पलों का गवाह बन रहे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। बंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का यह आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। साथियों, यहां एरो इंडिया के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव और सीईओज राउंड टेबल इसका भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता, सीईओज की ये सक्रिय भागीदारी एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। मैं कर्नाटका के युवाओं से भी आह्वान करता हूं, टेक्नोलॉजी को फील्ड में आपको जो महारत हासिल है उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाइए। आप इन अवसरों से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशंस का रास्ता खुलेगा। साथियों, जब कोई देश नई सोच नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। एरो इंडिया का यह आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की
एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इसे इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं, भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहाँ बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। साथियों, हमारे यहाँ कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं, हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहाँ डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। भारत में डिफेंस सेक्टर में आपका हर इन्वेस्टमेंट भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार से आपका व्यापार कारोबार के
नए रास्ते बनाएगा, नई संभावनाएं, नए अवसर सामने हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। हर इन्वेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इनोवेशन के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब कई सेक्टर में एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी मिली है। हमने उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है, ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। साथियों, जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय।